सिमर का है, ऑब्वियसली शक्ल प्रेरणा की है। तो हुआ ये सीन कि प्रेरणा पूरी कोशिश कर रही कि घूंघट वाली सिमर का रूप ना ले पाए, तो उसने सिमर की सारी तस्वीरें छुपा दी, सब कुछ जहाँ पे भी सिमर की तस्वीर की पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसने सब छुपा दिया। और जिस फोटो को वो घूंघट वाली देख रही थी उसने उसमें सिमर की जगह अपनी फोटो डाली थी प्रेरणा। तो ये जो था जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेरणा की फ़ोटो डाल दी है, और इसीलिए ये गेटअप मेरा अभी इसलिए हो रखा है कि प्रेरणा का चेहरा और करना पड़ता है, वो क्या कहते हैं लोहे को काटने के लिए लोहा बनना पड़ता है। सो अगर कोई इतना चालाक है सामने वाला तो उसको जवाब देने के लिए आप कुछ ना कुछ स्मार्टनेस तो दिखाओगे ताकि उससे जीत सकूँ और सबके सामने उनकी सच्चाई सामने आ सके। तो प्रेरणा वही कर रही है, प्रेरणा और मक्खी से जो है वो मिलकर यही कर रही है कि पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है, उनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ मैं असली में ही सीन में सीन में यही कोशिश करेंगे कि पहले हमने डिसाइड किया है कि एक्चुअली घूंघट वाली पे हमें फोकस करना चाहिए, और घूंघट वाली का पर्दाफाश होगा तो ऑटोमेटिकली जर्मनी का हो ही जाएगा। तो वही फोकस करेंगे कि घूंघट वाली है वो सिमर ना ले पाए, जो उसका एक्चुअल रूप है वो अपने बिना सर क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने सिमर अपने रूप में नहीं है, घूंघट वाली अपने रूप में प्रेरणा के रूप में है। तो इसीलिए मैं माता जी को लेकर आती हूँ अपनी दिखाने के लिए, और देखते हैं तो फिर पता चलेगा आपके व्यूअर्स को कि क्या हुआ।